भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने धनतेरस पर अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठकर ग्राहकों को सामान दिया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दीपावली पर्व पर देश में छाए उल्लास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। इस दौरान विजयवर्गीय ने कहा कि जहां पूरा विश्व मंदी से गुजर रहा है, वहीं दीपावली पर देश में बड़ी रौनक नजर आ रही है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याण योजनाओं के कारण ही संभव हो पाया है। वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर उन्होंने कहा कि खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए, खेल को किसी देश की सीमा पर नहीं बांधना चाहिए। अगर कोई देश कथनी और करनी में अंतर रखे तो सरकार निर्णय ले सकती है। पीएफआई को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि पीएफआई जैसे संगठन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। जिस तरीके से पीएफआई का एजेंडा 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का था, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के 75 वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक ऊंचाई तक छू सके। 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, ये तो सभी लोग कहते रहते हैं, पर मैं समझता हूँ कि अभी देश के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी के जो राजनीतिक ऊंचाई उसको छू सके। इसलिए 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बहुत बहुमत के साथ। मोदी जी आने वाले समय में जो गाड़ी बना रहे हैं वो लगातार अपने कांग्रेस की आरोप लगा रही है, तो मतलब कंटिन्यू जो अपने दौरे चल रहे मोदी जी के। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ कि कल ही मैं कहीं पर था और वहाँ लोग कह रहे थे कि हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर। मैं एक सामाजिक कार्यक्रम में था तो वहाँ बुजुर्गों ने कहा कि हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर, हमने देश की आज़ादी के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो मंदिरों में जाके श्रद्धा के साथ पूजा करता है, त्रिपुटी लगाता है, साधना करता है, माला जपता है। तो ऐसा लगता है कि हमारे बीच का ही प्रधानमंत्री है। तो इस देश की भावना के अनुरूप इस देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि आक्रांताओं ने जब हमारे देश पे हमला किया था तो हमारे आस्था के केंद्र जितने भी थे, चाहे राम मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, सभी मंदिरों को कभी खंडित किया है, कभी उस पर कब्जा किया है। पर हमें गर्व है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के सारे आस्था के केंद्रों का विकास हो रहा है, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे महाकाल बाबा का मंदिर हो, चाहे बनारस का मंदिर हो, सारे मंदिरों का विकास कार्य हो रहा है। देश में तो हो रहा है पर विदेश में भी मंदिर बन रहे हैं, जैसे आबू धाबी में बहुत अच्छा एक मंदिर बन रहा है। तो ये बहुत हमारे आस्था के केंद्र हैं जो हमारी चेतना को जागृत करते हैं। कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची पर पूछे गए सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस के प्रोटोकॉल में गांधी परिवार सबसे पहले ही आएगा। गांधी परिवार के होते हुए रिमोट पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री पर था, अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर रहेगा। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मंदिर जाने पर तंज कसते हुए कहा कि यह तो लोगों ने देखा ही है कि वे मंदिर भी जाते हैं और मस्जिद में भी जाते हैं, और मस्जिद में घुसते ही सबसे पहले तिलक धोते हैं, यह उनकी नौटंकी है। तीसरी बार चाइना के राष्ट्रपति बनने पर शी जिनपिंग पर पूछे गए सवाल पर कहा कि चीन की नीति जो है वह विस्तारीकरण की नीति है, वह दूसरों की जमीन पर कब्जा करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि वहाँ पर कांग्रेस में प्रोटोकॉल में गांधी परिवार हमेशा पहले आएगा, पहली बात। दूसरी बात, गांधी परिवार के होते हुए हमने रिमोट प्रधानमंत्री को तो देखा, अब हम रिमोट कांग्रेस के अध्यक्ष को भी देखें। सर, ग्वालियर सिंगरौली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, शहरी सिंगरौली में पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, कलेक्टर का निर्देश। मैं समझता हूँ कि अब ये तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन का निर्णय है, मैं तो उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता। बाकी त्योहारों के अवसर पर जनता की भावना का सम्मान कैसे देखा जाए। देखिए, पीएफआई जैसे संगठन इस देश के अंदर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत खतरा है, और जिस तरीके से पीएफआई का पूरा एजेंडा देखा है, जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया,
और अभी जो समय चल रहा है वो अमृत काल का है कि हम आने वाले इन 25 वर्षों में देश को इतना आगे ले जाएं कि हमारा जो सपना है कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएं, ऐसा देश बनाएं। पर PFI ने अपने एजेंडे में लिख रखा है कि 2047 तक इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना। मैं समझता हूँ ये एक समाज के लिए भी और सरकारों के लिए भी अलार्मिंग स्थिति है और ऐसे संगठन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह जी को, जिन्होंने PFI पे प्रतिबंध भी लगाया और उनकी हिडन एजेंडा है और हिडन जितने कार्यकर्ता है उनको खोजने का NIA प्रयास भी कर रही है।